नमस्कार, सोच विचार मीडिया में आपका स्वागत है। मैं काजल शर्मा। आइए चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। भाजपा प्रवक्ता के बयान को लेकर कल जुम्मे की नमाज के बाद पूरे देश में हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान ऐसी कई हिंसक घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें रांची में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए दो लोगों की मौत हो गयी। इस घटना में यूपी पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है तथा उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जुटी हुई है। वहीं रांची के 12 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू किया गया है और प्रशासन ने लोगों को घर से बाहर न निकलने को कहा है। जहां रांची में कल तक के लिए इंटरनेट बंद रहेगा, वहीं हावड़ा के उलबेरिया में भी धारा 144 लागू है और वहां भी 13 जून तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। हावड़ा हिंसा में अब तक 70 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा सराहनपुर में 200 उपद्रवियों की भी पहचान की गयी है और 48 गिरफ्तार हुए हैं। वहीं दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया है। इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यूपी पुलिस एक्शन में आ गयी है और यूपी पुलिस ने अब तक तक मामले में 229 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ साथ प्रयागराज पुलिस ने भी इस मामले में 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए सोच विचार मीडिया पर। धन्यवाद। मीडिया सोच आपकी, नजरें हमारी।